गुड मॉर्निंग दोस्तों, भारतीय अधिकारी ब्लॉग में करती हूँ आपका स्वागत। आज मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आज है हमारे घर में हल्दी का फंक्शन और सब लोग लगे हैं अपने अपने काम पे, तो मैंने तो वीडियो स्टार्ट कर दिया अपना। और दूल्हे राजा बेचारा काम में भागे भागे जा रहा है। अब तू भी हो जा तैयार। हल्दी है, उसके लिए नया तेल का कनस्तर लेके आई हूँ। अब ये जो हार्ड वर्क है वो मुझे करने देते हैं। ये है हमारा नौनी और ये है मेरी बेटी अंशी, मेरा बच्चा। और यहाँ मीनाक्षी जी का खुल चुका है अपना ऑफिस। ये शादी में आए हैं कि ये ऑफिस का काम करने आए हैं? पैसे भी कमाओगे, शादी भी एंजॉय करोगे, मजे हैं आपके दोनों काम साथ में। जय हो देवी जी, नारी तेरे रूप अनेक। लगे रहो हम काम करें। चाय बना के आ जाए आपके लिए, ठीक है? अदरक वाली मेहमान करने लग गए हैं काम, चाय बना के। अब इनकी बारी है, चाय पिला रहे हैं सबको, गुड़ की चाय पिला रहे हैं। ये दोनों समधन बातें कर रही हैं। ये है दीदी की बहन, दोनों बहनें, छोटी बहन ब्रश कर रही है। ये है मेन बंदा, ये इतना तेज बंदा है, इसने सबेरे 3 बजे नहा के टोपी पहन के घूम रहा, 2:30 बजे से जब नाने में सबको उठा आए तो तुम क्या यार गड़बड़े रह जिया। ये दोनों दीरानी जिठानी, ये है जिठानी और ये है दीरानी, और ये अब आ रही है। और अभी हमारी दीरानियां लग गई हैं किचन में तैयार होके काम करने पे। तो गाइस, बड़ी मम्मी तैयार हो गई हैं और आपको मैं बड़ी मम्मी का फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैं अंशी मतलब भव्य अधिकारी आपको बड़ी मम्मी मतलब मेरी बड़ी मम्मी आपकी बड़ी मम्मी नहीं की फाइनल लुक दिखाती हूँ। और वो है अरे इन्हें तो अच्छा पीछे का ही लुक देख लो, बिल्कुल खिलाफ। ये है मेरी दीरानी और जिठानी तो भाग गई, जिठानी को टाइम नहीं है। और अरे ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रसोई में मेरी दीरानियों ने उड़द की दाल पीस ली है और इन्होंने पूरा श्रृंगार कर लिया है। यहीं से शुरुआत होती है रसोई में भोजन बनने की। और ये उड़द की दाल के बड़े और पूरी बना रहे हैं पूरा श्रृंगार करके। और बाहर जेठ जी तैयार हो रहे हैं, दूल्हे के पिताजी इनकी शेठ जी तैयार हो रहे हैं, शेठ जी धोती पहन रहे हैं, बच्चे यहाँ पे अपना बातें कर रहे हैं। ये है मेरी दीरानी विधि, ये आ गई है तैयार होके। यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, उन्होंने शुभ कार्य की शुरुआत कर दी है और साथ में लाए हैं छोटे पंडित जी जो उनके असिस्टेंट बने हैं। ये है हमारी बेटी मंजू और ये आ गई है हमारी चाची जी। चाची को चाय नहीं दी, चाय जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपने घर की हल्दी है। पहले हल्दी कुट पहले हल्दी को बहनें पीसती हैं भाई को लगाने के लिए, तो ये दोनों बहनें हल्दी कुट रही हैं। और जो ये हल्दी होती है, हल्दी और सरसों को, पीली सरसों को दोनों बहनें पीस रही हैं, क्योंकि इसको बहनें ही तैयार करती हैं उपटन भाई के लिए। ये दूल्हे को लगाई जाएगी।
ये आ गए हैं सगुन आखर गाने के लिए। Yeah.
यहाँ पे दूल्हा हो गया थोड़ा इमोशनल। ये गणेश जी बनाए हैं और ये घर के ऊपर दरवाजे के ऊपर रखे जाते हैं, गणेश जी को बुलाया जाता है। यहाँ पे बन रहे हैं सुंगले और ये बनते हैं आटे से। आटे को गूंथ के सारी महिलाएं इसको साथ में बनाती हैं, फिर इनको धूप में सुखाया जाता है, फिर ये जब सूख जाते हैं इनको तल के फिर बाद में शादी के बाद लोगों को प्रसाद की तरह बांटा जाता है। बनाए जा रहे हैं संधि संधन जो बनते हैं तिल गुड़ और चावल के आटे के, तीनों को मिक्स करके ये संधि संधन बनाए जाते हैं और दूल्हे के ससुराल भेजे जाते हैं, शादी में लेके जाएंगे। और यही पहले से मनोरंजन का एक साधन होता था, हंसी मजाक का, तो ये इसीलिए बनाए जाते हैं मजाक के लिए, संधि संधन बना के भेजते हैं। और ये
होगी, तो सब लोग नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। दिख रहे हैं।